नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है अंधेशकों से संबंधित। जी हाँ साथियों, अंधेशक लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लिख रहे हैं पत्र खून से, सदन में लगातार उनका मुद्दा उठ रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। साथियों, ब्रेकिंग न्यूज़ है। शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, का चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथियों, 27 दिसंबर को बड़ा कार्यक्रम अवगत कराया गया है अंधेशकों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी जनपद। विषय है विश्व शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विधायक पुरुषकालिक अंधेशकों की मौलिक समस्या एवं महिला अंधेशकों माननीय मूलभूत समस्याओं को लगातार सरकारी उद्देश्य के संदर्भ में। महोदय, कृपया नियमित बिंदुओं के आलोक में संज्ञानित होने की कृपा करें। पहले बड़े मुद्दे को खाते हुए लिखा है, शिक्षा अधिकार पिछले 10 वर्षों में प्रमुख काले कार्य करते हुए नौ न्यायालयों का भविष्य संवार रहे वर्ष नवीन शिक्षा नीति को नियमित किया जाए। दूसरे बड़े पॉइंट में अपनी आवाज को रखा है यह कि नियमितीकरण होने तक तत्काल प्रभाव से समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था लागू की जाए। तीसरे पॉइंट में है कि नवीनकरण के नाम पर हम अंधेशकों को मानवीय शोषण किया जाता है। शोषण के कुछ ऐसे हैं जिसे सिर्फ संवेदनशील सरकार ही समझ सकती है। स्वतः नवीनीकरण की व्यवस्था गौरवाइन में अंधेशक लिखते हैं कि यह कि सरकार द्वारा हम अंधेशकों के विरुद्ध अदालतों में चलाई जा रही समस्त कार्रवाई अविलंब वापस लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय कमल निर्धारित निर्णय एवं दिशा निर्देशों को तत्काल प्रभाव से निष्पादित किया जाए। महिला अंधेशों का हम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ये 5वें पॉइंट में लिखा। 6वें पॉइंट में यह कि अत्यंत अल्प मानदेय से हो गए अंधेशकों को आयुष्मान कार्ड व्यवस्था अर्थात अंधेशकों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाए। ज्ञापन की अगली मांग है यह कि 100 छात्र संख्या की तलवार का प्रयोग शिक्षकों द्वारा अंधेशकों के संबंध में जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसे में शोषण के गाँव के घाट कर उपाय किए जाए, मात्र जिम्मेदार मानकर एक तरफा कार्रवाई कर इन्हें बचाया जाए जो कि नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। इस चुनाव में अपनी मांग रखते हुए बताया है कि ये कि हम अंधेशकों को 10 संयोगी अवकाश देने के अलावा कोई छुट्टी नहीं है जो कि मानवाधिकारों के विरुद्ध है। अतः अंधेशकों को भी शिक्षकों की तरह ही आकस्मिक अवकाश, शिक्षा अवकाश, बाल देखभाल अवकाश एवं मातृत्व अवकाश का भी लाभ दिया जाए। 10वें पॉइंट में लिखा हुआ यह है कि अत्यंत अल्प मानवीय एवं संकीर्ण सामाजिक स्थिति के कारण हम अंधेशक मानवीय कल्याण के अनुकूल सामान्य जीवन प्रक्रिया से तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप कार्यक्रमों पर शोषण एवं असहजता के अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। मानवर अतः अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आलोक में बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा के अधिकारों को परिवर्तन के लिए हम अंधेशकों की उपरोक्त समस्याओं का तुरंत निस्तारण को ऐसा उपाय करने की कृपा करें। इस पॉइंट में अवगत कराया है महोदय, आप अंधेशकों को धन्यवाद, कृपया उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अविलंब उचित और आवश्यक कार्रवाई की जाने की कृपा करें। शीघ्र ही कार्रवाई न की जाने पर उत्तर प्रदेश के समस्त अंधेशकों को उपरोक्त एवं अत्याचार के विरुद्ध 27/12/2023 प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी आप सभी अभिभावकों की होगी। अंधेशकों के अकथनीय असाधारण क्रिया एवं शोषण के आलोक में सहानुभूति व कार्रवाई कर उपचार के लिए हजारों अंधेशक सदैव आपके आभारी विक्रम सिंह अध्यक्ष परिषदीय अंधेशक कल्याण एसोसिएशन कराया गया अपनी समस्याओं से अब होगा आर पार कार्यक्रम अंधेशकों के द्वारा आप देख रहे हैं पर जन्म के खास रिपोर्ट के साथ अब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।